ये है अपना पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये निकल गए। फर्स्ट टाइम जो चलाया था तब न्यू था, अभी इसके सर्विसिंग होने के बाद इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। थ्रॉटल इज लाइक अ बूम। उस पर मेरी इंटरसेप्टर में तो आता नहीं है भैया की गाड़ी में, इसमें लगवा के नॉर्म्स के हिसाब से इंटरसेप्टर में अपने को लगता है 3 लीटर उसमें होना चाहिए टैंक में। कोई प्रॉब्लम इसके हिसाब से 650 है। जंगल के रास्ते चलते हैं, वो जाके देखते हैं, जितने जल्दी निकलेंगे तो जंगल के रास्ते इजिली हम जा पाएंगे। आसपास टाइगर्स। तो हेलो एवरीवन, तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद एक राइड पे जा रहे हैं। ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, बस अपने नानी के घर निकल रहे हैं। एक साल हो गए हैं, नानी तो घर में आई थी, अपने सारे रिलेटिव आना जाना लगा रहता है। बट टॉपिक इसलिए निकल गया, मतलब जाने के लिए इसलिए बन गया क्योंकि अपने विक्रम भैया आए हुए थे बहुत टाइम के बाद घर पे आए हुए हैं। एक साल हो गया, पिछले जो नेपाल राइड मिली थी उसमें हमने साथ में राइड किया था, उसके बाद हमने राइड किया नहीं। तो भैया का प्लान बना था कि दिवाली में छुट्टी मिल रही है 2 दिन की, चलो एक काम करते हैं नानी घर चल रहे हैं। तो मैंने चलो चलते हैं फिर। तो अभी जो टाइम हो रहा है 3 बज गए शाम के, दोपहर के, मतलब ठंड का टाइम चल रहा है। फिर मैंने बोला कि चलो अगर चलते, तो विक्रम भैया बोला चल आयुष को भी लेकर चलते। तो मैंने फोन किया आयुष को, भाई चल तू भी चल, साथ में चलेंगे नानी घर में, एक दिन रुक के आते, थोड़ा वहाँ पे गाँव को एक्सप्लोर करेंगे और मैं उनकी बाइक चला लूँगा, वो मेरी बाइक चलाएंगे, ठीक है। तो भाई यार वो उस साइड खड़े हुए हैं, दिखा देता हूँ मैं। तो ये उधर कुछ बातें कर रहे हैं वो दोनों। तो ये हैं भाई, सीधे निकलेंगे गाड़ी की राइड के ऊपर, ठीक है, मतलब नानी घर पहुँचते हैं। अभी टाइम लग जाएगा शायद, धीरे जाएंगे, जंगल के रास्ते से जाते हैं या पुराना वो जो रास्ता था अपना बुरा वाला एक रास्ता होता है, मतलब वहाँ का लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे जाते हैं या फिर जंगल के रास्ते चलते हैं, वो जाके देखते हैं। जितने जल्दी निकलेंगे तो जंगल के रास्ते इजिली हम जा पाएंगे। तो ये है भैया की बाइक N160 पल्सर, तो ये मैं चलाऊंगा। इसमें ड्यूल चैनल ABS के साथ आता है, इसकी बातें तो हम बाद में करेंगे भाई। जय श्री राम। तो ये है अपनी बाइक भैया की, ये मैं चलाने वाला हूँ। और ये वाली इंटरसेप्टर अपने भैया अपने चलाएंगे, ठीक है, और ये मैं चलाऊंगा, इसका एक्सपीरियंस लेंगे फिर से, देखते हैं किस तरीके से क्या सीन रहता है इसका। तो अपने तो निकल चुके हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं भैया उधर से, क्योंकि अपने दोनों गाड़ी में इस टाइम फ्यूल नहीं, तो पहले सबसे पहले फ्यूल फिलअप करेंगे। और मैं और भैया हमेशा रिलायंस से भरवाते हैं, लेकिन इस बार हम ट्राई करेंगे HP, देखते हैं HP का फ्यूल कंजप्शन कैसा है। तो इधर भी ई में चल रहा है, मेरी वाली गाड़ी में भी ई में चल रहा है। वाओ रॉकेट, वाइट में क्या लगती है गाड़ी यार, नाइस बाइक। तो अपने पहुँच चुके हैं हल्का फुल्का सितारंज के आसपास, यहाँ पे हल्के से ऑफ रोड। ये बहुत ख़राब जगह है ये वाला टाइम, ये रोड ही अजीब सी है भाई, इधर बहुत ध्यान देना पड़ता है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अपने हाईवे पे चढ़ चुके हैं, स्टेट हाईवे। मेरा तबीयत थोड़ी सी डाउन फील हो रही है अभी, क्योंकि पहले सही बेसिकली, तो भाई पहले सही है क्योंकि मेरे को कुछ दिन पहले ना कम से कम वायरल फीवर हो गया था यार, पिछले 7 to 8 days लग गए मुझे, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। क्योंकि आप जानते हो यार, वीडियो आने के लिए थोड़ा सा हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम से मैं राइड कर नहीं रहा हूं। मैं अपने बोले थे अहमदाबाद राइड करने के लिए, तो वो राइड करने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, कम से कम अभी 20 days के आसपास है। उससे पहले मैं नॉर्मल वो शूट करने वाला था, जैसे कि वॉल शूट्स नहीं होते घर के अंदर जो मैं कर रहा हूँ, स्टूडियोज के अंदर बाइक्स की इन्फॉर्मेशन देना, तो उसमें चाहिए अच्छा खासा थोड़ा सा वो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ढंग से बोल पाओगे, थोड़ा कॉन्फिडेंसली बोल पाओगे। तो इसलिए मेरे को काफी तरह डाउन हो गया था मैं। तो परसों से दिवाली के एक दिन पहले से मैं थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा जुकाम है मुझे। इस चक्कर में भैया आए मैं, चलो यार छोड़ो बाहर निकल के देखते हैं क्या पता ठीक हो जाए, इसलिए मैं निकल गया। 64 किलोमीटर है हमारे घर से, मेरे जहाँ पे मेरा घर था ना, वहाँ से मेरे नानी घर 64 किलोमीटर है, पीलीभीत से आगे 20 किलोमीटर और आगे माला वाला एरिया जो होता है ना आपका, वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वो रिजर्व के अंदर। अगर हम टाइम से पहुंच गए ऐसे उजाले उजाले में, तो हम जंगल के अंदर से चलेंगे, वरना टाइम से थोड़ा लेट होता है तो फिर हम वो जंगल वाला रूट नहीं लेंगे। क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है दोबारा से, नानी से बात हुई थी मम्मी की, तो बता रही थी टाइगर वाइगर निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम रिक्स नहीं लेंगे। ये अपने सितारगंज पहुंच चुके हैं, रिलायंस अपना लेफ्ट हैंड साइड है, बट हम रिलायंस नहीं जाएंगे, हम जाएंगे HP, इसलिए HP के लिए हमको स्ट्रेट लेना है, क्योंकि यहीं से अपने को पीलीभीत भी जाना है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार टेस्ट करते हैं HP का पेट्रोल भी, बहुत बार मैं रिलायंस भरता रहता हूं, इस बार मैं ट्राई करना चाहता हूं HP। बस 2 किलोमीटर रह गया यहां से, चल जाए बस गाड़ी। तो ये अपना HP आ गया, यहां भरवाएंगे। हम करवा देते हैं भाई इसमें फुल। बस छोड़ दो, इतना छोड़ दो, बस मुंह तक आ गया बिल्कुल। 12 लीटर 14 लीटर आ गया, स्टार्ट कर दो गाड़ी लेना आप आगे। ठीक 1129। इंटरसेप्टर मैंने फुल नहीं करवाया, उसमें मैंने
करवाया भैया ने 500 रुपीज़ का, क्योंकि उसमें था थोड़ा सा, क्योंकि 3 लीटर होता है ना उसमें, जैसे कि BS6 का नॉर्म्स के हिसाब से इंटरसेप्टर में अपने को लगता है 3 लीटर उसमें होना चाहिए टैंक में, जैसे बाकी बाइक्स नहीं होती 2 लीटर 1 लीटर, तो इंटरसेप्टर में 3 लीटर होना चाहिए और उसमें 3 लीटर था और 500, तो 3, 4, 5, 6, 7, 7-8 लीटर उसमें आ चुका है, 7-8 लीटर देखते हैं कितना एवरेज देता है इस बार। तो अभी जो टाइम है 3:48 हो चुका है और अभी तक हमने सुधारगंज छोड़ा नहीं है, 1 घंटे से हम यहीं घूम रहे हैं, मतलब कभी फ्यूल कभी जाम ऐसी हो रहा है। यहाँ से अपने लेंगे जहाँ पे बनारस जाता था ना उस वाले रोड पे फॉलो करेंगे हम पीलीभीत के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट। वाओ क्या भीड़ है। चलो अपने हाईवे पे फिर से चल गया है, हाईवे तो चल ही रहा था भाई। मैं बहुत कुछ ना व्लॉगिंग करना भूल गया लग रहा है, मैं बहुत कुछ बोलता था मैं जो कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा जुकाम हो रखा है ना, थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम है। देखा पावर रेंज में ज्यादा लाउड आवाज नहीं है, अगर यहीं पे भैया अगर हल्का सा रैप करेंगे स्पीड में निकालेंगे तो बहुत तेज आवाज आनी शुरू होगी, इसीलिए मैंने इस एग्जॉस्ट के बारे में सोचा था, क्योंकि बहुत प्यारा एग्जॉस्ट है प्यारा। ये चले जाता आपको रुद्रपुर के लिए, जब हम लोग अहमदाबाद निकलेंगे ना तब हम लोग लेंगे राइट साइड पे, और अभी हम जा रहे हैं पीलीभीत, और जब हम गए थे बनारस तो हमने यहीं पे लिया था, हमने स्ट्रेट इस साइड को गए थे लेफ्ट साइड पे, तो यहीं पे हम चलेंगे। यहाँ पे अपना उत्तराखंड वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब ये हाईवे, क्योंकि यहाँ से रुद्रपुर सीधे 4 लेन होता है, यहाँ से हम पीलीभीत उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो थोड़ा दूर के बाद बॉर्डर आ जाएगा, इसलिए स्टेट हाईवे बंद हो जाती है, नेशनल हाईवे सॉरी। अब हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के बहुत करीब। दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली का सेकंड डे है, मुहूर्त के हिसाब से दिवाली आज भी है 31 और आज 1, तो आज भी है दिवाली। अब ये वीडियो आप कब देख रहे होगे वो तो पता नहीं यार, क्योंकि एडिटिंग एडिटिंग का टाइम लग जाता है, लेकिन जिस दिन मैं निकल रहा हूँ ये 1st of November है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये अपना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है ये वाला। अब यहाँ से अपने उत्तराखंड को बाय बाय करके आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वेलकम उत्तर प्रदेश। यहाँ कोई मार्केट लगी है फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो यार इसमें ना हल्का सा बैक पेन हो रहा है इस बाइक में, तो ये काफ़ी ज़्यादा लीन है थोड़ा सा इंटरसेप्टर के हिसाब से, क्योंकि इंटरसेप्टर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर साइड को है, इसलिए इसमें थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है। हाथ में कोई पेन नहीं है मेरे, सिर्फ बैक में पेन हो रहा है, वो भी एकदम शोल्डर के साइड से। तो इंजन चकलाइट आ रही है भाई, देखना पड़ेगा एक बार, कभी कभी एरर होता है किसी चीज़ का। अरे निकल रहे हैं आगे, वाओ आवाज़ सुनेंगे। लेकिन रोहन भाई फोकस करना है रोड पे, अभी मैं चल रहा हूँ 85, तो इंटरसेप्टर चल रही है 90 पे। पता है इंटरसेप्टर में क्या कमी लग रही है पीछे से, वो है टायर्स। 130 सेक्शन के टायर काफ़ी पतले लग रहे हैं, 150 के अच्छे खासे लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा खराब रोड का सेक्शन है, और वो जो सामने ट्रक जा रहा है उसको कटिंग देखो क्या मार रहा भाई, वो दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे लहरा रहा है क्या बताऊँ। इस चक्कर में ये सामने ये इको वाले भैया भी नहीं ओवरटेक कर पा रहे हैं, उन्हें जैसे ही करने जा रहे हैं वो घुमा दे रहा है गाड़ी। रोड रेज, ऐसे रोडों पे इंटरसेप्टर में उतना पता नहीं चलता, इसमें थोड़ा सा फील हो रहा है, लेकिन उसके सस्पेंशन प्यारे हैं, स्मूथ है। वाह अंकल जी सिगरेट हो, ये आवाज बिल्कुल, मतलब इंटरसेप्टर को ना बिल्कुल स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती है ओवरटेक करने के लिए, गियर डाउन करने की कोई मतलब ही नहीं है, आराम से ले जाओ गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। भाई कितना ज्यादा कोहरा कोहरा सा लग रहा है यार यहाँ पे, भाई मेला लगा है मेला, अच्छा उठ गया मेला, दुकानें लगी हैं मेले की, वही मेले की खुशबू यार। सामने काफ़ी ज़्यादा कोहरा कोहरा सा लग रहा है, टाइम कितना हो गया 4:08, मुझे ऐसा लग रहा है हमको शायद अभी फॉरेस्ट वाला रास्ता ना लेना पड़े, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक बार ना पीलीभीत पहुँच के भैया से कंफर्म करके देखते हैं कि वहाँ पे अगर स्पीड से निकल पाएँ तो अच्छी है, क्योंकि रोड तो बन चुकी है वहाँ पे बेसिकली, मेरे को देखना है, देखने में तो आते टाइम भी देख सकते हैं, लेकिन देखते हैं यार कंफर्म करके भैया से कि क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई चलना चाहिए, ये एक जगह है, इस जगह का मुझे नाम नहीं पता भाई, यहाँ पे ना कोई कहीं से भी चले आता है, हमेशा ऐसा चल रहा है भाई, मतलब इतना इंडिकेटर है ना, चल इंडिकेटर नहीं दे रहे हो कोई, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता होगा इंडिकेटर कब देते हैं, क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, चलो उसकी नॉलेज नहीं है। अरे यार थोड़ा अकल की तो लगाओ, मतलब पीछे देखते नहीं है कि कहाँ पे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्ट घुस जाते हैं, मतलब पीछे वाला देखे हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो आंटी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे देखेंगी बस कि पैर के पीछे पे कोई आ तो नहीं रहा कुछ। काफी ज्यादा कोहरा कोहरा सा, ये पॉल्यूशन है या धुआं है, बट अगर मैं जगह सांस ले रहा हूँ ना तो मुझे धुआं वाली फीलिंग आ रही है, नॉर्मल रहता है ठंडा ठंडा फील होता है, लेकिन इसमें थोड़ा मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, तो ये शायद धुआं है, कहीं पे कुछ जल रहा है, मतलब खेत में कुछ जला ही दे रहा भाई। ये एक तरफ को जा रही है गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड, हाथ छोड़ने पे देखोगे, ये देखो इधर को जा रही है। आगे अभी भैया का थोड़ा शूट चल रहा है, वो देखो कैमरे में दिख रहा है ना, आयुष थोड़ा उनके लिए रील्स वगैरह बना दे रहा है।
दिखाऊं थोड़ा सा, दिखाऊं ऐसे क्या था। निकल गए, क्या आवाज़ है। तो जहाँ पे हमको थोड़ी सी खाली रोड मिल रही है वहाँ पे हल से कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है वहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, तो कितना दूसरे का प्रॉब्लम हो ना हमें। भैया की हाइट अच्छी है ना, 6 फीट के हैं, इसलिए बढ़िया लगती है उन पर गाड़ी। देखो भाई, हाँ बढ़िया बढ़िया, नाइस राइडर राइडर। तो भाई अपने पीलीभीत पहुँचने वाले हैं, यहाँ से थोड़ा दूर रह गया पीलीभीत। तो अपनी दोनों गाड़ियाँ यहीं खड़ी हैं, और मतलब हमने थोड़ा शूट वूट कर रहे थे। क्या हुआ? देखो वो तो यार ब्लू स्टोन आ जाता है, मस्त ब्लू स्टोन है। बाकी अपनी गाड़ी मज़ा आ गया, थोड़ा सा बैक पेन है बस, और थोड़ा सा बैक में थोड़ा पेन आता है, और कुछ ज़्यादा वैसे बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक वाला माहौल है भाई यहाँ पे, क्योंकि हाईवे है एक नॉर्मल हाईवे। तो एक बार भैया से पूछते हैं कि उनको बढ़िया कैसा लगा बाइक चला के, कैसा मज़ा आया? बहुत अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस है इसका? पहले से फर्स्ट टाइम जो चलाया था तब न्यू था, अभी इसके सर्विसिंग होने के बाद इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। थ्रॉटल इज लाइक अ बूम, मतलब जस्ट वी हैव टू डू अ थ्रॉटल एंड इट विल वैनिश यू अवे, इतना तेज भागता है, कंफर्टेबल था। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो स्टेट हैंडल है वो लगवाने के बाद जो उसका कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बाकी सब कुछ बढ़िया लगा है, कोई कमी मतलब कोई प्रॉब्लम इसके हिसाब से 650 है? दायित्व से चलाओ, क्योंकि वो तो है जब भी थ्रॉटल दोस्त के साथ खुद को भी इंटैक्ट रखो साथ में, क्योंकि हाथ से छूट जाने का भी डर रहता है जिनको आदत नहीं है हैवी गाड़ी चलाने की। बाकी मतलब जो टायर्स हैं इसमें रेलको के है, स्पीड ब्लास्टर, मतलब ये उतने स्पीड के लिए बने नहीं, ऑफ रोडिंग के लिए बने बेसिकली। बिल्कुल। तो आपको इसमें एक्सपीरियंस क्या लगा, क्योंकि आपने 120-130 भी देखा मैंने आपने क्रूज किया सड़क रोड पर, तो मतलब कैसा लगा आपको, मतलब टायर के हिसाब से? टायर के हिसाब से एक कंट्रोलिंग बहुत अच्छी, क्योंकि टायर पूरे बच्चे हैं, अगर आप पास भगाते भी हो तो उसके बाद भी इसका क्या है कि रोड पे छोड़ता नहीं है, काफ़ी चिपक के चलती है। तो उसमें क्या है कि एक तो कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी आती है, ऊपर से हैवी गाड़ी तो है ये, टायर ठीक थे, टायर अच्छे थे। तो ये भाई रेलको के स्पीड ब्लास्टर हैं, ये मैंने लगवा रखे थे, तो भैया का एक्सपीरियंस ठीक था, मेरा भी ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक बार जो दूसरा चलाता है उससे भी एक बार चला के देखते, तो भैया का एक्सपीरियंस लगा कि बढ़िया थी। बाकी इस बाइक का एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई मेरे को तो बढ़िया लगी, मतलब 160 के हिसाब से बढ़िया है, पिलियन के साथ भी बढ़िया, क्योंकि थोड़ी देर पहले आयुष बैठा था जब हम भैया का शूट कर रहे थे उस टाइम, तो आयुष बैठा हुआ था साथ में, तो इसको तेरे को कोई दिक्कत हुई पीछे बैठने में? बस झटके जो आते हैं वही बंप में बस गले तक हिल जाता है वैसे, मतलब जैसे कि थ्रॉटल दिया तो पीछे होना या वैसे कोई बेसिकली इसमें होता है, इसमें बैठने के बाद उसमें कुछ फील नहीं होगा आपको। तो एक बात बताओ कि यहाँ से हमको जंगल से जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी 4:30 बज रहे हैं, अभी तो टाइम है, तो हम लोग जा सकते, कितना हो रहा है रास्ते से? 4:30 बज रहे हैं। अच्छा, और अभी तो रोशनी है दिन, तो दिक्कत नहीं है, अगर शेर आ भी जाएगा थोड़ा थ्रॉटल दे देना, ये तो है भाई थ्रॉटल देंगे और शेर अंदर। इंटरसेप्टर मैंने ले ली, थोड़ा आगे तक एक रील शूट हो जाएगा भैया का, मतलब मेरा। तो भैया वो चला रहे हैं गाड़ी और आयुष पीछे बैठा हुआ है, तो अभी यहाँ से थोड़ा आगे है बस, 2 किलोमीटर है वो स्ट्रेच, मतलब वो फ्लाईओवर वाला टाइम, तो वहाँ पे थोड़ी सी रील बन जाएगी मेरी। मैंने इस टाइप की रील बनाई नहीं है, मतलब बहुत कम बनाई है, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कैसा होता है ना, मतलब लगता कैसा हूँ, मैंने देखा नहीं है कुछ कभी इस तरीके से। चलो भाई चलो। तो आयुष अभी फ़ोन को सेट कर रहा है, तो अभी शूट चल ही रहा है। चलो मेरा तो शूट हो गया भाई, बस ऐसी एक रील निकालनी थी मेरे को, मतलब देखना था कि लगता कैसा हूँ मैं। बस हो गया अपना शूट, दिखा एक बार, दिखा दिखा, तो ये हम लोग पीलीभीत के अंदर जा रहे हैं, टाइम हो रहा है 4:47 हो रहे हैं। तो भैया और मैंने बातचीत करके देखा है कि भाई हम लोग फॉरेस्ट के अंदर से ही चलते हैं, ट्राई करके देखते हैं यार, ये डर अपने को निकालना है ना, रात में नहीं जा सकते, रात में नहीं जा सकते। एक रात होती है जैसे कि 8-9 बज गए तब थोड़ा डिफिकल्टीज लगती है, लेकिन अगर वैसे ही हो रहे हैं कि 6 बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं तो उस टाइम हम जा सकते हैं, तो वो वाला मेरे को अपना डर निकालना है। शिट, और लेट हो गया, और लेट हो गया है, वो
वहाँ से कहाँ जाएगा, तो चलें क्या? अच्छा हाईवे से है क्या? एक बार भैया को आगे जाने देते हैं, शायद यहीं से है रास्ता। अब भैया को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता मुझे पता नहीं है यार। मैं बेसिकली जब जंगल वाले रास्ते से जाना होता है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से अभी यू टर्न ले लिया हमने, फाटक लग गया था ना, फाटक के जस्ट बगल से ही रास्ता था। लेकिन हम लोग भाई इलीगल काम करते नहीं है, फाटक के नीचे से हम जाते नहीं है क्योंकि इतनी भारी गाड़ी लेकर कैसे घुसाओगे भाई। उसके बाद ये वाला रास्ता मुझे पता नहीं है, जब मैं रात हो जाती है तो हम लोग स्ट्रेटली भूरा वाला जो रास्ता है ना, मतलब गजरोला वाला रोड, उस रोड से हम लोग अंदर ले लेते हैं। तो भैया बोले एक और रास्ता है जहाँ से हम जंगल वाले रास्ते से अंदर कनेक्ट हो सकते हैं पीलीभीत के अंदर जाके, तो वो रास्ता कहाँ पे है वो एक बार चेक करेंगे। ये वो रास्ता जहाँ से मैं बनारस गया था। ओ आप समझा कौन सा रास्ता जाने की बात कर रहे हैं भैया, फ्लाईओवर वाला। आप समझा भाई, ये तो रास्ता मुझे भी पता था लेकिन मैं भूल गया। समझ गया फ्लाईओवर के ऊपर से। वाओ ऑफ रोडिंग कितने टाइम से बन रहा है, ये तंग आ गया बनते देखते बन ही नहीं रहा है फ्लाईओवर। बहुत लोगों को याद आ रही होगी जगह जब मैं वाराणसी गया था तब मैं इस रोड को फॉलो किया था मैंने, पूरनपुर रोड। इसको कहते हैं आसाम रोड क्योंकि ये डायरेक्ट आसाम में कनेक्ट होती है जाके, अगर स्ट्रेटली आप इसी रोड को फॉलो करते रहोगे तो। अयोध्या ये स्ट्रेटली आपको फ्लाईओवर दिख, अरे वाह यार ये फ्लाईओवर कैसा बना दिया ने, एकदम सुरंग जैसा, देख रहे हो ध्यान से, एकदम ऐसा लग रहा है कि डायनासोर की हड्डी नहीं सॉरी सांप की स्केलेटन, सांप के अंदर चले जा रहे हैं हम लोग। वाह रात में जलता होगा तो कितना प्यारा लगता होगा। ये जब मैं आया था तब ये था नहीं, सिर्फ फ्लाईओवर था, ये जो बना हुआ ना स्ट्रीट लाइट ये नहीं थी। काफी टाइम के बाद मोटर ब्लॉक करने में अलग ही मजा आ रहा है। अरे मत करो भैया, अरे पुलिस बैठी है, पुलिस बैठी है मत करो, आगे फोन कर देंगे वहाँ पे। तो भैया को बोल दिया यार मैंने, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद आए ना पीलीभीत यहाँ पे बाइक चला के, कि मेरे को पता है यहाँ पे पुलिस कहाँ कहाँ बैठती है, फालतू में शाम के टाइम पे नुकसान हो जाएगा ना। इसको कहते हैं छतरी चौराया। यहाँ पे मेरी बचपन की याद है, मम्मी के साथ नानी घर आता था बस में, हमारी बस ये रेलवे स्टेशन का रोड है ये वाला राइट साइड पे, और यहाँ पे बस आती थी रोडवेज जो कि हमें खटीमा जाती थी, मैं खटीमा रहता था, इस जगह पे रोड बस आती थी यहाँ पे, और यहाँ से हम सीधे निकलते थे उधर खटीमा के लिए। काफी भीड़ है। ओ हाँ दिवाली भैया। तो सामने बोर्ड देखो लिखा है रॉयल किंगडम रिजॉर्ट टाइगर रिजर्व बरेली पीलीभीत। आज हम बहुत तगड़ा रिस्क लेने वाले हैं भाई, टाइगर से टाइगर। शायद मैं जितनी बार भी मैं जंगल में आया हूँ ना टाइगर देखने, मेरे को जिंदगी में नहीं दिखा टाइगर कभी नहीं। एलिफेंट्स दिख गए क्योंकि एलिफेंट तो वहाँ पे रखे हुए हैं, डियर दिख गए, एलिफेंट दिख गए, वाइल्ड बोर दिख गए, सब दिख जाते हैं, ब्लू बुल दिख गए, लेकिन टाइगर नहीं दिखा। मेन जिसलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसलिए फेमस है वो चीज मेरे को नहीं दिखी अभी तक। ये अपने गांव से पहले ये लास्ट गांव पड़ता है, यहाँ पे बंगाली नहीं है, तो इसके बाद हमको हल्का हल्का जंगल का मतलब आउटर तो शुरू हो जाएगा जंगल का, मैं आपको दूर से दिखा पाऊंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेंगे राइट की तरफ जहाँ पे अपने को प्रॉपर कोर जोन, मतलब एक तरीके से कोर जोन ही समझ लो यार, क्योंकि वो अंदर से पीलीभीत के एकदम टाइगर रिजर्व जो जंगल है ना उसके अंदर से ही वो रास्ता जाता था बहुत टाइम पहले से ही, जब वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व नहीं था तब से ही वहाँ पे वो सारे विलेजेस हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो अभी बना है कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले ही, लेकिन वहाँ विलेजेस पहले से रहते थे। और देख रहे हो इंटरसेप्टर इस टाइम चल रही है 60 पे और मैं 55 के आसपास चल रहा हूँ, मेरे को थकान हो जा रही है, तो आप मेरी आवाज से समझ में आ रहा होगा झटके लग रहे हैं ना, और इसकी सीट काफी ज्यादा हार्ड है तो अनकंफर्टेबल तो है। हाईवे पे बढ़िया चलती है बट ऑफ रोडिंग जैसी आता है ना रोड खराब होती है, दिक्कत हो जाती है इसमें। इंटरसेप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वो भाई दोनों बढ़िया बैठे हैं एकदम, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं, मैं कर रहा हूँ सेडलिंग में आ रहा है मजा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लीन होना पड़ रहा है। और इसमें देखो इंजन चेकलाइट खत्म हो गई चली गई, लेकिन सेडलिंग ना प्रॉपर हिमालयन जैसे स्ट्रेट होता है ना हैंडल, उसमें ज्यादा मजा आता है क्योंकि हम एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं सिर्फ। इसमें मेरे को नहीं देखो हल्का सा बैंड भाई, ये क्या है अब और लेट होगा, इधर बोर्ड बना रखे हैं, देखा नहीं सामने एरो दे रखा था किधर इधर वहाँ पे रोड था उधर भैया, यहाँ सीधे जाने का रोड कहाँ से है? सीधे इधर से माला, इधर से जा सकते हैं माला इधर से चलते हैं ना फिर, फालतू में लंबा करके क्या फायदा है। ठीक है चलो। ओ भाई आज तो ऑफ रोडिंग हो रही है, ये होते चैलेंजेस। बढ़िया रास्ता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ये वाओ
अरे भैया धूल, पुल बन रहा शायद इधर से। ट्रिपल जीरो फोर भाई, क्या नंबर है जिप गाड़ी का, 0004। खतरनाक, कौन से जमाने की गाड़ी है और उसमें VIP नंबर। मजा आ गया थोड़ा सा ऑफ रोड करके। मैं सोच रहा थोड़ा और ज्यादा ऑफ रोड होता ना, मजा आ जाता एकदम, पानी वानी के अंदर से ले गए। फाइनल लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ से अपने को जंगल के अंदर लेना है। चलो भाई साहब अंदर, रोड एकदम मक्खन है, चलें। चलो देखी जाएगी टाइगर वाइगर। भाई रोड एकदम मस्त बन गई है मक्खन, एकदम ब्यूटीफुल रोड ट्रैपिंग्स। पिछली बार जब आए थे तो रोड खराब थी। देखो ये देखो, यहाँ से जंगल शुरू हो जाता भाई। ये देखो सावधान, अब हम साथ में चलेंगे। वाओ ब्यूटीफुल लुक। मैं अपना हेलमेट ऊपर कर लेता हूँ। आसपास टाइगर्स, कुछ भी हो सकता है। मैं ना एकदम मेंटेन नहीं कर पा रहा, एकदम पास नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसमें जो ऑफ रोडिंग टायर्स है ना, उसमें से कीचड़ वीचड़ लग के ना एकदम ऊपर मेरे तक आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसमें गार्ड नहीं है ना, वो मड स्लैब जो कहते हैं वो नहीं है। बाकी यार क्या लग रही है, टाइगर्स, ये अपना पीलीभीत टाइगर रिजर्व। शाम को 5:30 बजे हम लोग इसके अंदर आए हैं। ये है अपना हाथी वाला एरिया। यहाँ पे हाथी खड़े हैं, हाथी हैं। ओ देखो एलिफेंट दिख रहा है। ओ देखो, हमारे अलावा कोई नहीं है यार। देखो सामने भैया, पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला चल रहा हूँ भाई। गांव में इंटरसेप्टर तीसरी बार आ रही है। ओ मेरा गोप्रो बंद हो गया। मालूम है बड़ी लाइन शुरू हो गई है भाई। देखो पहली बार देख रहा हूँ, पहले यहाँ पे मीटर ग्रेस की ट्रेन चला करती थी जो कि अंग्रेजों के टाइम की थी, और आज चल रही है ये अपनी बड़ी लाइन। हमारा स्टेशन आपको कल सुबह दिखाएंगे पहुँचने के बाद। ये देखो भाई, पहली बार देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये है आपकी बड़ी लाइन कहते हैं यहाँ पर लोकल में। भाई मेरा ना इसमें, हम लोग पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो इसमें 3% चार्ज हो रखा है। देखो अपने गाड़ी में हमने यहाँ पे लगा के रखा है, इधर गाड़ी में कनेक्टेड है उस पर। मेरी इंटरसेप्टर में तो आता नहीं है, भैया की गाड़ी में इसमें लगवा के, तो भैया का लीड लगवा ली क्योंकि वो था USB और ये टाइप सी है, तो दोनों टाइप सी मेरे मैच नहीं कर रहे थे, तो भैया की गाड़ी में से चार्ज हो गया, 3% हो गया, 1% था। भैया अपने दोनों खड़े हैं स्टेशन के यहाँ। भैया स्टेशन रहा अपना माला वाला, वो आपको अच्छे से दिखाएंगे कल। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत टाइम निकल जाएगा सर, क्योंकि अभी देखो 15 मिनट में 3% चार्ज हुआ है, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको नानी घर पहुँचने के बाद ही मिलता हूँ, वहाँ पहुँच के आपको चीज़ें बताते हैं। अब रोड तो भाई नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे खड़ा हुए कोई चांस नहीं है, क्योंकि रात हो रही है टाइगर वाइगर का, क्योंकि और थोड़ा सा फॉरेस्ट है यहाँ पर रह गया, तो हम वो कवर करेंगे, वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो अभी हम लोग नानी घर पहुंच चुके हैं, बाइक हमने लगा ली, और वही डिफिकल्टीज हो रही थी कि GoPro ना चार्ज नहीं हो रहा है, पता नहीं कि उस फोन में लगा, मतलब उसमें लगाने के बाद भी चार्ज नहीं हुआ, तो और दिक्कत वाली बात थी। ठीक है, तो चलो अब अंदर जाके चार्ज लगाएंगे, बाकी घूमना फिरना जो होगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो आवाज़ आ रही है ना वो नानी की आवाज़ है भाई, माइक लगाओ ऊपर, देखते हैं कौन। वो देखो माइक लगाओ ऊपर,
ये बैठी नानी पूजा पाठ कर रही है, पूजा पाठ। हेलो